नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जहां हनुमानगढ़ में रेगुलेशन कमेटी की बैठक में हुए निर्णयानुसार पानी चलाने की मांग के संबंध में श्रीगंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल संसाधन विभाग उत्तराखंड हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। सांसद कुलदीप इंदौरा ने बताया कि 30 सितंबर को मुख्य अभियंता कार्यालय में आयोजित रेगुलेशन कमेटी की बैठक में पहले चार में से दो ग्रुप में एक बारी और बाद में तीन में से एक ग्रुप में पानी देने का तय किया गया था, परंतु सिंचाई विभाग की ओर से मनमर्जी का रेगुलेशन अपनाकर पानी दिया जाने लगा, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। बैठक में हुए निर्णय के अनुसार पानी नहीं दिए जाने का जनप्रतिनिधि पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि रेगुलेशन कमेटी की बैठक में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से हुए निर्णय के अनुसार रेगुलेशन घोषित कर सिंचाई पानी दिया जाए। आज हम सिंचाई की मांग को लेकर आए हैं। जो अभी पिछले दिनों जो रेगुलेशन की मीटिंग हुई, जिसमें हमने चार में से दो समूह चलाने की बात कही और ये कहा कि प्रस्ताव सरकार को भेजा जाए और सरकार इस बात को माने ताकि हमारी जो फसलों की बिजाई हो सके और बिजाई के बाद जब आगे परिस्थितियां होंगी उसके अनुरूप पानी मिल जाएगा, लेकिन उसके विपरीत इन्होंने रेगुलेशन घोषित कर दिया जिसका आक्रोश पूरे क्षेत्र में था। तमाम हमारे विधायक जनप्रतिनिधि, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, हम तमाम लोग आज आए हैं। इस संबंध में हमने बातचीत की है, इस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया है, तो इस तरह की गलती नहीं हो। किसान आज अपनी बिजाई के लिए परेशान है, खाद के लिए डीएपी के लिए परेशान है, आज मूंग की खरीद नहीं हो रही सरकारी, आज धान के लिए हमारा किसान कलेक्ट्रेट पर बैठा है। क्या सरकारें इस तरह की होती है? बड़ा दुख और तकलीफ होती है कि किसान आज सड़कों पर है, आंदोलित है, संघर्ष कर रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। ये गूंगी बहरी सरकार है, केंद्र की हो चाहे राज्य की, इन बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। जब फसलों की बिजाई का समय, उस समय सरकार अगर गंभीर नहीं होगी तो कब गंभीर होगी? आज समय निकल जाएगा तो पानी का हम क्या करेंगे? अगर एक्सेस पानी भी होगा, पानी ज्यादा भी आ जाएगा तो हमारे कोई काम का नहीं। इसलिए हमने यह बात रखी अपनी, सभी ने इस बात का रोष व्यक्त किया और पूरी तरह से रोष व्यक्त करते हैं कि इस बात को सरकार गंभीरता से ले, प्रशासन गंभीरता से ले, नहीं तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारी रेगुलेशन की मीटिंग हुई थी उसमें जिन बात पे हम लोगों ने चर्चा की, हमने कहा कि दो चार में से दो बारियां दो और सरकार को, हमारे जो कमिश्नर हैं सीएडी के, उनको भिजवाओ के वो रेगुलेशन के मेन कमिश्नर है, तो उनको भिजवा दो और पानी की व्यवस्था पहले अक्टूबर के अंदर आप हमें चार में से दो ग्रुप चला दो, जैसे हमारी बिजाई हो जाएगी और उसके बाद में पानी होगा तो जनता, और उसके बाद में अगर पानी दोगे तो उसका हमें को फायदा नहीं है और किसान लंबे टाइम से फसलें बर्बाद हो रही है, बच जाएंगे। इन्होंने उस बात को नेक मानते हुए, जो जनप्रतिनिधि से बात की थी उस बात पे न रहते हुए इन्होंने वापस वही तीन में से एक ग्रुप चला दिया, जिससे हम लोगों को गुस्सा आया। गुस्सा इस बात का आया कि इन्होंने जनप्रतिनिधि की बात न मानते हुए सरकार को प्रस्ताव ही नहीं भेजा और अपनी मनमर्जी से कर लिया। ऐसे नहीं होगा।